मैं पीछे हो जाती हूँ, मेरा बेटा सो गया हूँ, शरारती सही हो गई उनकी लॉकडाउन लगा। दादी जब तक पोछा लगाएंगी दोनों को लूँगी, तब तक मैं अपने घर का सारा काम ख़त्म कर लूँगी, जो झाड़ू पोछा ये सारा काम नहीं तो डेली का ही होता दोस्तों। मेरा डे रेगुलर का ऐसा ही होता सेम, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। मेरे बच्चे दोनों छोटे हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता ब्लॉग बनाने का, मेरे साथ से भी बहुत बोल रहे हैं तो मुझे समय नहीं मिलता, और ब्लॉग बनाने में भी एडिटिंग करनी पड़ती है काफ़ी। सुबह से उठो अपना सारा काम करो, झाड़ू पोछा गैस पोछना किचन को साफ करना और भी कई चीज़ें हो जाती है। जब बच्चे हों छोटे घर में तो लोगों का काम लगता है जैसे और बढ़ जाते हैं, वो काम को और बढ़ाने लगते हैं, इसीलिए मेरा काम कभी भी कम नहीं होता, उल्टा बढ़ते जाता है। सुबह सुबह मेरे बच्चे दूध पीते हैं ना तो मुझे दूध को गर्म करके रखना पड़ता है, वरना कभी कभी दूध फट भी जाता है। अपने सास ससुर के लिए चाय बना कर रखना पड़ता है। दोस्तों ये ढोलक वाला हमारे यहाँ रोज़ आता है क्योंकि यहाँ पे हम नवरात्रि की शुरुआत में कल स्थापन से ही सभी के घरों में ढोलक बजाने जाता है। मैंने अपने आंगन में भी झाड़ू दे दिया, हमारा बोला जाता है कि अपने आंगन में हमेशा सूरज के उदय से पहले ही झाड़ू दे देना चाहिए। उसके बाद मैंने जाकर अपने सारे बर्तन धोए, बचे पीछे कभी भी रात में जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए, तो इसीलिए मैं अपने जितने भी बर्तन होते हैं वो सारे रात में धो लेती हूँ। बस कुछ बचे कुचे हाट बर्तन होते हैं जो लोगों को सफाई करने में थोड़ा समय लगता है, तो उन्हें मैं सुबह के लिए रख देती हूँ। मेरे सास ससुर आ गए हैं तो इसीलिए मैं अब उन्हें बनाए हुए चाय को गर्म करके जा रही हूँ देने के लिए। पूजा का है तो इसलिए मेरे डेली पूजा के सारे बर्तनों को धोना पड़ता है, और यहाँ पे हम ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा मोड़ा घास फूस किसी का इस्तेमाल करते हैं बर्तनों को धोने के लिए। बता सकता हूँ जैसे हमने सारे बर्तन धोकर धो दिए अच्छे से, यहाँ मैं वहाँ पर रेडी हो गई हूँ और मेरी बेटी सारी के डब्बे से खेल रही है। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं अभी पाठ करती हूँ, मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ता है, इसलिए सुबह सुबह मैं तैयार होना पड़ता है, और मेरे सास ससुर तक मेरे बच्चों को देखते रहते हैं और मेरे ससुर भी महादेव तक करते हैं पूजा, तो इसीलिए मुझे तब तक मैं बच्चों को संभाले रखती हूँ। क्योंकि आज अष्टमी है इसलिए हम लोग को पूरा सुबह श्रृंगार एक तरह से किया जाता है, तो इसीलिए मैं अच्छे तरीके से रेडी हो रही हूँ। चूँकि मैं पाठ करती हूँ इसलिए मुझे मेरे ससुर ने यह साड़ी ला कर दिया है, और मैं उसी साड़ी को पहनकर आज पाठ करने जा रही हूँ। और फिर सारी तरह से रेडी हो रही हूँ, पैरों में हल्सा लगाया, मन पेंट किया, अपने बाल बनाए और सिंदूर बिंदी लगाए। दोस्तों मैं ज़्यादा रेडी नहीं होती, कभी कभार लगा लेती हूँ कुछ सुप्रीम पाउडर लिपस्टिक, इसके अलावा मैं नॉर्मली घर में कुछ शूज नहीं करती हूँ, मुझे सिंपल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों बताइए आप, मेरा ये सिंपल लुक अच्छा लगता है जब मुझे मेकअप करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं अपनी अच्छी दिखती नहीं हूँ मेकअप के लिए। पूजा करने आज अष्टमी है, वैसे बाकी दिनों में भी हमारे पास पूजा के लिए बहुत चीज़ें हो जाती करने को, चूँकि आज अष्टमी है तो हमारे घर में एक छोटा सा पिंड बनाया जाता है देवी का, या मान लीजिए तो हमारे घरों में हमारे कुल देवी का एक छोटा सा पिंड बनाया जाता है, हम डेली उसी की पूजा करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ स्थापना नहीं हुई है तो सिर्फ हम एक स्वरूप मानकर ही यहाँ पूजा करते हैं, और अब ज़्यादातर हमारे घरों में नहीं होता है
किसी किसी घरों में होता है कि पिंड स्थापना कर ली जाती है, क्योंकि हमारे घर में नहीं हुआ है, इसीलिए हम स्वरूप मानकर ही पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ पे गौर होता है, गौरी माता का स्वरूप होता है, जिसे हमें डेली पूजन करना पड़ता है। ये सिर्फ शादीशुदा औरतें ही करती है, जब से वर्ष शादी होती है तब से ही हमें गौर दिया जाता है और हम डेली उसका पूजा करते हैं। चावल के आटे का घोल, सिंदूर, ये सभी लगाया जाता है। अष्टमी के दिन श्रृंगार किया जाता है माता का, इसीलिए हम भी अपने घरों में पिंड का भी श्रृंगार करते हैं और पूजा करते हैं। और सारे घरों के चौखट पर सिंदूर और चावल के आटे का घोल लगाया जाता है। मैंने पाठ कर लिया है और आखिरी में मैं आरती करके शंख लगाया ली। दोस्तों, मुझे शंख बजाना आता नहीं है, इसी बीच में मैंने सीखा है। ये मेरा बेटा है जो सुबह सुबह दादाजी के साथ भगवान की पूजा करके आया है। ये हमारे कन्या में दिखा रही है, मेरे ससुर जी महादेव का पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, में तीन लोगों को महादेव का पूजा किया जाता है। एक तो हो जाता है पार्थिव, जो 100 की गिनती में हर एक ब्लॉक टाइप में होता है। एक होता है बाबा बूढ़ानाथ, जो लंबे शिवलिंग के आकार में दिखाई देते हैं, परंतु शिवलिंग से कोई अलग नहीं है। और एक होते हैं त्रिकोण टाइप, वो भी लगभग महादेव के रूप होते हैं, लेकिन महादेव के रूप होते हैं और इन दिनों को पूजा जाते हैं। यहाँ पे त्रिकोण वाले का लोग पूजा करते हैं, विष्णु के लोग का कोई भी लोग पूजा करता है। यहाँ पे मंदिर को चंदन अच्छे तिल जौ इन सब चीज़ों से मैं शिशु पूजा करता हूँ। सभी प्रतिमाओं की ये हमें हाथ से बनाना पड़ता है मिट्टी के, और दुर्गा पूजा में हर एक बार बनाते हैं। जब तक स्थापना होता है उस दिन से शुरू करके 14 दिन तक हम बनाते हैं और इनकी पूजा किया जाता है। और बाकी त्रयोदशी में इनकी पूजा करते हैं, तो हम त्रयोदशी में निर्माण करते हैं, बनाते हैं। दोस्तों, मेरा बेटा छोटा सा है, ज़्यादातर उसके बाद इन सभी को सुला दिया जाता है। ये हमारे यहाँ की देवी है, मेरी बिटिया पहली बार कन्या पूजन के लिए बुलाया गया था, सही है, सिर्फ 1 साल की है। कितनी क्यूट लग रही है।